नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। बिजनौर के गंगा किनारे के जो निकट के गांव हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गांव में पानी भर चुका है और इसके लिए किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं, त्रस्त हैं। पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है, किसानों की सैकड़ों बीघे फसल बाढ़ में नष्ट हो गई है। कैसे उनका जीवन यापन होगा, कैसे आगे चीजें हो पाएंगी। फिलहाल जो पीएसी टीम है और एसडीआरएफ की टीम है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। इसके लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ढूंढा जा रहा है कि लोग कहां फंसे हुए हैं, किस प्रकार से उनको निकाला जा सकता है। इस पर लगातार प्रशासन काम कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट, क्या कहना है इस पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह का। कप्तान साहब, मडावर और चांदपुर की अगर बात करें तो लगातार पानी आ रहा है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, क्या कहना है? किस तरह से आपने जो टापू में फंसे लोग मजदूर हैं, ग्रामीणों को निकाला है, किस तरह से और क्या हालात है इस वक्त? जनपद बिजनौर में पिछले 3 दिनों से बाढ़ का असर है। हरिद्वार से जो पानी छोड़ा जा रहा है, अब हरिद्वार का जो बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम बना हुआ है, उनका ये कहना है कि क्योंकि पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो प्रतिदिन 3-4 लाख क्यूसेक छोड़ा जा रहा है क्रमशः सुबह शाम। जिला प्रशासन बिजनौर और बाढ़ नियंत्रण केंद्र हरिद्वार दोनों का टाइप है, लेकिन क्योंकि बरसात हर जगह हो रही है इसलिए बाढ़ का असर ज़्यादा है। एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस, पीएससी की ड्रोन कैमरा, स्थानीय पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी की टीम सब संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक 95 लोगों को जो बाढ़ के अंदर फंसे थे रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रचार प्रसार के दौरान 17 लोगों ने सैकड़ों की संख्या में बाहर आ चुके हैं। कल कुछ लोग जो फंसे थे उनको ये उम्मीद थी कि बाढ़ का पानी कम हो जाएगा, क्योंकि हरिद्वार से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, बाढ़ ज़्यादा है। चाँदपुर क्षेत्र और बिजनौर क्षेत्र, मंडावर क्षेत्र, नागल क्षेत्र, मंडावली क्षेत्र, सारे क्षेत्रों को लोगों को आगाह कर दिया गया है, सचेत कर दिया गया है और जागरूक कर दिया गया है। लोग निर्देशों का पालन कर रहे हैं। पांडा नगर चौकी जो चारों तरफ से जल से घिर गई है, दाह संस्कार करके लोग आ रहे थे, 3 लोग डूब गए थे। पुलिस के सामने वार्ड उपनिरीक्षक रविंदर ने स्वयं पानी में कूद करके उनकी जान बचाई। ट्रैक्टर अभी फंसा हुआ है। कुल मिलाकर के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, अभी कोई जनहानि नहीं है, न तो पशु हानि है। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही संयुक्त रूप से सारे विभागों ने मिलकर के उत्कृष्ट कार्य किया है और जनता भी इस चीज़ को महसूस कर रही है। जो शासन की तरफ से निर्देश आ रहे हैं उसका ग्राउंड पर उसका असर आ रहा है। ड्रोन का भी आपने इस्तेमाल किया है, किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं आप ड्रोन कैमरे का? ड्रोन कैमरा का फायदा ये है कि जो नदियों की जो कई धाराएं हैं, बीच में जो टापू है, अपलैंड है, वहां पर जो पशु हैं और जो वन गुजर हैं, वो उम्मीद में है कि पानी घटेगा, उनको ड्रोन कैमरा से उनको सर्च किया गया, नाव पर बैठा कर तो उनको लाया गया। ड्रोन कैमरे का इस मामले में बहुत ही अच्छा और कारगर असर रहा शासन की तरफ से। प्रत्येक जनपद में मेरे ख्याल से 10-10 लाख रुपए का हाई पावर लेवल का ड्रोन कैमरा प्रदान किया गया, जिसकी क्षमता 4-5 किलोमीटर तक है। और जो एसडीआरएफ टीम है उनसे भी संवाददाता ने बात करने की कोशिश की है, ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह जी, चंद्रपाल सिंह। अच्छा चंद्रपाल सिंह जी, आप यहाँ पर जो है नाव के साथ हैं, एसडीआरएफ से हैं, पीएससी से हैं आप? पीएससी से हैं। कितने जवान हैं और कितने लोगों को अब तक आपने निकाल लिया और क्या गंगा में दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू करने में? ड्यूटी में 8 जवान हैं मेरे साथ और ये दिक्कत आ रही है साहब, सबसे बड़ी दिक्कत तो गंगा जी में पटार 7 फीट 6 फीट की चल रही है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और ये लक्कर पेड़ बहते हुए आ रहे हैं, इनसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। फिर भी हम परेशानी का अब सामना करते हुए रेस्क्यू कर रहे हैं और कल और परसों 3 दिन में करीब करीब हमने 46 व्यक्तियों की उस तरफ से इधर लाए सुरक्षित। कहाँ फंसे हुए थे वो? उस तरफ टापू पर। मेरा नाम जसपाल है। जसपाल जी, क्या हालात हैं? बाढ़ आई हुई है आपके गांव में जी, किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है और क्या परेशानी हो रही है गांव में? परेशानी ये है, शुक्रवार से लगातार बाढ़ जारी है, कोई साधन नहीं है निकलने के लिए। और क्या नाम, जो
24 लोग पड़े फंसे हुए थे, प्रशासन आया मदद करी उनको निकाला बाहर और फसल पूरी की पूरी नष्ट हो गई है। बहुत दिक्कत है, गांव के कटान भी हो सकता, कुछ भी नुकसान हो सकता, मर भी सकते हैं, जंगलों को चारा नहीं है, पशु भूखे हैं। प्रशासन ने इतनी मदद करी, बहुत ज़्यादा करी और ख़ास तौर से थाना प्रभारी मंडावर, इन्होंने ज़्यादा विशेष तौर से ज़्यादा मदद करी। तो क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं जी? अभी भी लोग टापों में फंसे हुए हैं जी? अब तो नहीं है। तो क्या लगता है आपको, किस क्या क्या फसलें जो है चौपट हुई हैं आपकी? जी पलेज है और गन्ना है, यही फसलें। अगर बात करें कारोबार की तो कारोबार भी आपका टूटा हुआ? कारोबार टूटा हुआ है जी, बस खाने को गुजारा भी नहीं लोगों के पास, ज़्यादा परेशानी है। कहीं बाहर लाएंगे करके तो जब खाएंगे, यहाँ तो कोई आसरा नहीं रहा। और अगर बाहर जाते हैं तो बच्चों को घबराहट है, गाँव ना गिर जा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।